हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आर दोज वर्ड्स विच शोज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये वो शब्द होंगे हैं जो सानू किसी चीज़ की स्थिति बारे दसते हैं। बच्चे हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रेपोजिशंस की होंगे। हैं बेटा वर्ड प्रेपोजिशन, देखो पोजिशन, पोजिशन वो वर्ड या कनैक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट ऑफ पोजिशन सानू दसते हैं उन्होंने की आ प्रेपोजिशंस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इन। इन देखो बॉक्स दे विच की आ बैट, द बैट इज इन द बॉक्स, द बैट इज इन द बॉक्स। देखो दिस इज ए कंटेनर, कंटेनर दे अंदर की आ स्पून, द स्पून इज इन द कंटेनर, द स्पून इज इन द कंटेनर। जिहड़ी चीज़ रेस्ट दे विच पई होवे, रेस्ट दे विच मीन्स आराम दे विच पई होवे, उदों आपां इन दी वरतों करते हैं, द स्पून इज इन द कंटेनर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑन। देखो कैट, कैट कादे उपर बैठी हुई आ, लकड़ी दे उपर। द कैट इज सिटिंग ऑन द लॉग, द कैट इज सिटिंग ऑन द लॉग। या देखो इन टू, इन टू मीन्स अंदर, इन टू मीन्स जदों कोई कोई चीज़ एक जगह तो दूजी जगह मूवमेंट करके जाती है, मीन्स गति करके एक जगह तो दूजी जगह जाती, उदो आप कादी वरतों करते हैं, इन टू की वरतों करते हैं। इन टू मीन्स देखो द डॉग जंपड इन टू द वैल, डॉग ने कादे विच छाल लगाती वैल दे विच, द डॉग जंपड इन टू द वैल, द डॉग जंपड इन टू द वैल। देखो हुण वी आप कादे बारे डिस्कस करांगे, अपॉन बारे। अपॉन मीन्स उपर, अपॉन आदि जिमें कि अपना कंटेनर। दिस इज ए डॉग, द डॉग जंपड अपॉन द कंटेनर, द डॉग जंपड अपॉन द टेबल, मूवमेंट करके एक जगह तो कितने गया दूजी जगह पर गया, द डॉग जंपड अपॉन द टेबल। उपर छाल मारी ना इन्हें, देखो द डॉग जंपड अपॉन द टेबल। हम देखो ज ओवर, हूँ की आ ओवर, ओवर मीनस की हों बेटा जिमें राइट साइड है, इतने बैठा होया डॉग तो इतों इन्हें जंप किया किधर आ गया लैफ्ट साइड आ गया, जंपड द डॉग जंपड ओवर द टेबल, द डॉग जंपड ओवर द टेबल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अंडर। आ जी बॉल देखो की आ बॉल पई आ, बॉल की पई आ कादे नीचे पई हैगी आ टेबल दे नीचे, द बॉल इज अंडर द टेबल, द बॉल इज अंडर द टेबल। हुण देखदे आ टू, टू मीन्स टू प्रेपोजिशन, टू मीन्स जदों एक जगह तो दूजी जगह जाना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए परसन और दिस इज ए मार्केट, आ की आ परसन की आ, द परसन इज गोइंग टू द मार्केट, द परसन इज गोइंग टू द मार्केट। टू इज जर्नली यूज विद गोइंग, टू इज जर्नली यूज विद गोइंग। टू एंड फ्रॉम, फ्रॉम दोनों की एक दूसरे दे अपोजिट ने। टू का मतलब की हुंदा एक जगह तो दूजी जगह जाना, फ्रॉम का मतलब की हुंदा एक जगह तो दूजी जगह वापस जाना। चिल्ड्रंस आर गोइंग टू, सॉरी चिल्ड्रंस आर गोइंग फ्रॉम द स्कूल, Children are coming from the school. Now we will की रह गया अपना between, between बारे। between is a very easy preposition। देख आप देखो आ की आ आप P ते S लेने आ गया, दोने alphabet लेने P ते S ते विचकार की आ O, between आ गया ना, O is between P and S। होप सानू सारे आनू ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।